इंदौर की विजयनगर पुलिस ने 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जो बदमाश राह चलते लोगों के पर्स और मोबाइल छीनने की घटना को अंजाम देते थे। ये बदमाश एक मोबाइल शॉप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे और उससे पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ गए। फिलहाल में पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इनके कब्जे से अब तक लगभग 50 मोबाइल फोन जो है जब्त हुए हैं, और ये मोबाइल फोन किनको बेचते थे, कौन कौन इनकी गैंग में शामिल है, उस संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में आसपास के जिलों से जानकारी ली जा रही है कि इसके अलावा इंदौर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में इनके क्या क्या आपराधिक रिकॉर्ड है, उसके बारे में भी पुलिस जानकारी प्राप्त कर रही है।